हमने एक प्रोग्राम के तहत कोरोना का टेस्ट फेडरल पीएल अमित अस्पताल में एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पब्लिक आई और हम को मिला। इस दौर में जहाँ कोरोना के टेस्ट के लिए प्राइवेट अस्पताल 2 से 3 दिन और 4 दिन का टाइम दे रहे हैं, हमने एक नोटिस में अलहमदुल्ला यहाँ पर टेस्ट किया और आगे हमारी एक मीटिंग हुई, इसमें इंशाअल्लाह हम आगे का भी प्रोग्राम का नया बन कह रहे हैं। माशाअल्लाह जो अंजुमन इस वक्त अंजुमन जो काम कर रही है और जो खास करके हमारे कुत्याला अस्पताल और जितने भी हमारे इधारे हैं और खास करके पाकिस्तानी कौम मेमन कौम और कराची वाले जो काम कर रहे हैं वो खराज तहसी है, काम की हुकूमत का है, मगर हम कह सकते हैं कि हम भी एक हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एहसास प्रोग्राम कुत्याला मेमन एहसास प्रोग्राम एम पी एरिया इस वक्त क्रूज पर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी छतरी के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह सलीम पटेल की पूरी टीम और हम सब हमारे युद्ध के साथ मैदान में उतरे हैं और अल्लाह तआला इसको 3 दुगनी और 4 चौगनी तरक्की दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस वक्त एक नई जगह नई सिस्टम में जा रहे हैं सिलेंडर की जगह, क्योंकि सिलेंडर इस वक्त कराची शहर में बहुत महंगे हो चुके हैं और हम हर जगह पे प्रोवाइड करने के आज हमारी इंतजार मीटिंग हुई है। इसके अलावा मैं खास तौर पर मैं तारीफ करूँगा पूरे कराची के लोगों को और खास करके ह्यूमन कम्युनिटी का, और खास करके क्योंकि जो उर्ज के दिनों में जो जिसको पाकिस्तान जो जिसको याद रखता है मोहसिनों को उस मुल्क में हमेशा तरक्की होती है। मैं कुत्याला अस्पताल खास करके इस वक्त कराची में मोर कोप का काम कर रही है, हमारा कुत्याला एसोसिएशन में सलीम सगानी की टीम, कुत्याला अस्पताल में सलीम रूमी आदि समन और डॉक्टर अवेश की टीम, अल्हम्दुलिल्लाह अकील रेड्डी एक अपनी अपनी जगह पे रियासत बन चुके हैं और अकील रेड्डी की और अहमद चिन्हे की टीम काम कर रही है, और आज ही उस्मान परदेसी साहब ये भी एक इदारा बन चुके हैं, फुल फ्लैश मैदान में उतर चुके हैं। हमारी एहसास टीम जिसमें हमारी पूरी टीम आया दुदुकरा समेत हमारे पूरे ग्रुप के काम करे अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुत्याला इस वक्त पूरे ग्राउंड लेवल पर है। और मैं खास करके हुकूमत के इमरान खान साहब को कहता हूँ कि कुत्याला ये जो बीमारी में तादाद बढ़ रही है, खास करके आप लोग एस ओ पी पे हमारे ग्राउंड से कि ताजी बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर आप कल आ रहे हैं हमारी टीम को ताजिरों को आपने बहुत दिया है, आप खुदा का सीरियस लें, अगर आप सीरियस नहीं लेते तो हम भी कहने में मजबूर हो जाएंगे कि ये एस ओ पी का जनाजा है जरा धूम से निकले। मैं खुदा का सबसे अपील करता हूँ कि एस ओ पी पे अमल करें, अपना कारोबार जारी रखें और एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम। खास करके अब्दुल रजाक परदेसी का नाम लूंगा जिन्होंने इस वक्त कोरोना के हवाले से दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। खुदा ना करता खुदा ना करता किसी शख्स को कराची शहर के अंदर कोई बिस्तर नहीं मिलता या कोई अस्पताल के अंदर नहीं मिलती तो 24 आवर्स